नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पंचायत की जो शूटिंग हुई है वो लोकेशन के है। अभी जो पंचायत वही जिसमें सचिव जी प्रधान जी रहते हैं वही वाली लोकेशन पे आज हम आपको लेके जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर ग्राम पंचायत हलेरा में आपका स्वागत है वाला बोर्ड लगा हुआ होता है, वो यहीं पर रोड के किनारे सामने लगा हुआ होता है। इस पेड़ के नीचे जो उप प्रधान रहते हैं और वो जो भंडारे के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं वो यहीं पर रहते होते हैं, और यहीं से जो कच्ची सड़क है यहीं से शुरुआत होती है उसकी। और जब प्रधान जी की गाय के झंडे गोली मारने के लिए गए थे तो वो यहीं पर इसी घर में लगती है। तो भाइयों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपको आगे लेके चलें। तो लेट्स गो, चलते हैं प्रधान जी के गांव में और देखते हैं वहां की लोकेशन। ये कच्चा रास्ता है पर हमारा जो मार्ग है वो इधर से नहीं, इस रोड से, मेन रोड से। तो लो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं पंचायत की शूटिंग की लोकेशन पर, यानी कि सचिवालय पर, सचिव जी के सचिवालय पर पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी क्या है बरसात का सीजन है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी झाड़ियां घास फूस उग आया है, क्योंकि अभी सीजन इस समय ऐसा है तो उसकी शूटिंग भी अभी नहीं हो रही है। पर एकदम यहाँ पे आपको लगेगा एकदम चेंज, कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये कलर एमपी सरकार का है और हमारे यहाँ पर यूपी सरकार का अलग होता है। ये देखिए, ये वही टंकी है जहाँ पर सचिव जी पहली बार रिंकी को देखते हैं चाय पीते हुए, और ये जो नल है वो नल यहीं पे रहता है, वो नल सिर्फ एक परमानेंट नहीं है, टेम्पररी नल लगाया हुआ होता है। ये लोकेशन है देखिए, ग्राम पंचायत महोड़िया, जो कि जिला सोहोर मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ पे 26 जनवरी का ध्वजारोहण होता है। और यहाँ पर जो प्रहलाद चाह रहते हैं उनके लड़के का जो स्टैचू होता है वो यहीं पे लगाया जाता है। ये देखिए, बाकी जगह से मैं पर क्या थोड़ा सा घास फूस और झाड़ियां बरसात की वजह से हो गई। रिंकी को जब देखने जाते हैं ऊपर छत पे सचिव जी, वो यही लोकेशन है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और वो जो मंदिर है वो सामने, उसके सामने जो गाय एक भैंस है ना, जो ये लोकेशन है सामने, यहाँ पर चाय की टपरी होती है वो यहीं पर होती है, जहाँ पर कुलभूषण यानी कि क्या बोलते हैं उसको बनराकस चाय पीता है, और अपने देख रहे हो उन्हें वाला डायलॉग वो यहीं पर होता है सबसे पहले। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया, हमारे पैखाना बनने वाला था है, उसमें दीवार खड़ा कर दिए यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नू हो क्योंकि वो एक अलग सचिव जी के हिसाब से वहाँ पर एक दरवाजा रहता है, पर यहाँ पर क्या है एक चैनल बना दिया गया है अभी। और ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तो टाइप का थोड़ा सा है, और यहाँ पर तो गड्ढा भी दिख रहा है आपको, और ये आगे से रास्ता है बंद है, अभी क्या है बरसात की वजह से रास्ता खराब है इसलिए रास्ता बंद है। तो इधर से ना आगे हम लोग इधर से आए हैं, मेन रास्ता वही है, ये तो एक शूटिंग के जरिए से दिखाया गया है यहाँ पर, अभी आपको लेके चलेंगे। ये यहाँ पर नल नहीं रहता है, नल तो एक्चुअली पानी देने सप्लाई देने के लिए इन्होंने अलग से एक पाइप डाल रखा होता है, जो कि सिर्फ शूटिंग पर्पज से इन्होंने इस नल को यहाँ पे लगाते हैं। वो विधायक की गाड़ियाँ इधर से ही आती हैं सामने से, ये सामने, ये सीजन वन में ये नहीं रहती बिल्डिंग पर, ये क्या है जब प्रहलाद चक लड़का शहीद हो जाता है बॉर्डर पर, तब ये उनका स्टेचू यहीं पर लगाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, और एकदम गांव का एरिया है, कोई शोर शराबा नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, बहुत ही कम जनसंख्या वाला प्राइम लोकेशन है।
और आज भी बरसात का ही मौसम है। हमने स्थानीय निवासी से बात की, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हमें, कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई थी, तो सारी लोकेशन पे आपको लेके चलेंगे हम। ये देखिए, ग्राम पंचायत मौड़िया, जनपद पंचायत सीहोर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। चलिए तो आपको लेके चलते हैं पानी की टंकी के ऊपर और वहां से दिखाते हैं कैसा व्यू दिखता है अपने ग्राम पंचायत फुलेरा का। देखिए ये देखिए, हम चलते हैं ऊपर। देखिए हम भी देखते हैं ऊपर, रिंकी मिलती है हमें नहीं मिलती है। ये देखिए भाई साहब क्या नजारा है, छोटा सा ही गांव है मोहड़िया ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत फुलेरा के नाम से मशहूर है। देखिए हम पहुंच चुके हैं एकदम टंकी के ऊपर टॉप पर। तो भाई साहब हमें यहाँ पर रिंकी तो नहीं मिली, पर कुत्ता जरूर मिल गया बैठा हुआ। वाह यार, डर तो लग रहा है इससे, पर देखते हैं शायद वो बता रहे हैं कि नहीं काटेगा। ये देखिए तो वो यहाँ पर होता है, वो मंदिर जो सामने दिख रहा है और वो जो भैंस दिख रही है मंदिर के सामने, ये यहाँ पर चाय की टपरी रहती है। और जो पेड़ हो रहता है आम का पेड़, जहाँ पर प्रहलाद चाह दारू पीते हैं और पेड़ के नीचे सोते रहते हैं, उनका लड़का जब शहीद हो जाता है तो उसके बाद में वो वहीं पर जाकर अपना टाइम वहीं पर व्यतीत करते हैं। वो भी हमें वहाँ पर जा तो नहीं सकते हैं, अभी पानी की दिक्कत होगी खेत में, लेकिन हम आपको यहीं से दिखा सकते हैं वो आपको। ये देखिए यहाँ से देख रहा है अपना लोकेशन, देखिए भाई साहब कराने का, ये हमारी टीम है यहाँ पर खड़ी हुई। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए अभी हम गांव में लेके चलेंगे आपको, बंदा कस के घर पे, ब्रजभूषण के घर पे और प्रधान जी के घर पे लेके चलेंगे। वो जो आपको लास्ट में एक पेड़ दिख रहा है, ये वाला पेड़, ये पेड़ रहता है वो यहाँ पर, वो शूटिंग हुई है पेड़ वाली। बाकी ये गांव का व्यू है जो सचिव जी देखने के लिए आते हैं, वो जहाँ पर हमारी ये गाड़ी खड़ी हुई है इसी गाड़ी के पास में, इसी पेड़ के नीचे वो जो रहता है प्रचार करने वाला गाड़ी का, वो ठोक देता है गाड़ी और वो जब बंदा का साता है उसको बोलता है क्या रोड बंद कर रखे हो, मुझे यहीं से निकलना है, तो उसी नहीं का है। मतलब क्या पूरी जो शूटिंग हुई है वो पूरी इसी लोकेशन पर हुई है 90%। दोस्तों अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया, वो हमारे पैखाना बनने वाला था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए इन्हीं गलियों में सचिव जी और उनका सहायक घूमते हैं और बस थोड़ा सा आगे ही बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे और गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है। उनकी गलियां देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी। बहुत ही खूबसूरत गांव है, शायद इसीलिए इसको चुना गया होगा। 50 गांव देखने के बाद ये गांव को फाइनल किया गया था पंचायत सीरीज के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है ये तो। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको पंचायत सीरीज कैसी लगी, ग्राम पंचायत फुलेरा आपको कैसा लगा,
एक्चुअल में देखने पर और शूटिंग में देखने पर क्या डिफरेंस है वो भी बताएं कमेंट्स में। वो जो बाइक दिख रही है सामने, यहाँ पर जो काला गेट वाला घर है यही बनराकस का घर रहता है, और इसके पीछे से चप्पल को फेंका जाता है बनराकस की चप्पल, उसकी बाइक की चप्पल को वापस करने के लिए। चलिए पहले प्रधान जी के घर पर चलते हैं, उसके बाद में बनराकस के घर को दिखाएंगे। कुछ छूट नहीं देंगे आपको, हम सारा कुछ दिखाएंगे। देखिए पहुंच चुके हैं प्रधान जी के घर पर, पूछते हैं भाई साहब से क्या है, कौन है घर पर, कोई है या नहीं। अभी इनसे मालूम किया गया है, पर इन्होंने बताया है कि इस घर में अभी कोई है नहीं। एक्चुअल में क्या है, इस गांव के जो एक्चुअल प्रधान रहते हैं, जो रियल प्रधान रहते हैं, उन्हीं का घर यूज किया गया है प्रधान जी के नाम पे। तो अभी वो गांव से बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं तो हम आपको अंदर का जहां पर दिखाते। वो जो सामने वाला घर है ना, जो बाइक दिख रही है, ये वाला बनराकस का घर रहता है। उसमें कुछ खास शूटिंग हुई नहीं है, बस एक दो सीन लिया गया है वहां का। ये क्या है? ये देखिए इस घर में ताला लगा हुआ है। अगर वो रहते प्रधान जी तो हम आपको जरूर दिखाते हैं अंदर की लोकेशन, क्योंकि जो ज्यादातर शूटिंग प्रधान जी घर पे हुई है तो वो सब आंगन में हुई है, वो सारी लोकेशन आपको दिखाते हैं। पर अभी वो आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से कुछ प्रोग्राम में गए हुए हैं कहीं बाहर, तब तक हम आपको दिखाते हैं बनराकस का घर। चलिए बनराकस के घर पर लेके चलते हैं आपको। तो फर्स्ट टाइम चप्पल फेंकी जाती है, जो सचिव जी फेंकते हैं जोर लगाकर, तो वो दो ये यहाँ पर बैठे हुए थे चाचा, उनके यहाँ पर पास में गिरती है, और फिर दोबारा वो गेट के अंदर रहती हैं तब वहाँ पर गिरती है। ये घर रहता है, चप्पल को पीछे खेत की तरफ से फेंका जाता है, पीछे खेत है इसके। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे द्वारा दिखाया गया और पिक्चर में दिखाया गया कैसा लगा आपको ग्राम पंचायत।